आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग स्ट्रिंग को कैसे स्विच केस में पास करने का काम करते हैं, एज वेल एज जैसे हम लोग कैरेक्टर को पास किए, जैसे हम लोग इंटीजर को पास किए, उसी तरह हम लोग स्ट्रिंग को पास करते हैं। और ये केवल जावा में सपोर्ट करता है और अनदर लैंग्वेज में सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि हम लोग सी सी प्लस प्लस पढ़ चुके हैं, तो हम लोग वहाँ पर कैरेक्टर और इंटीजर को केवल देखे थे, बट हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग को भी हम लोग देखने का काम करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हम लोग यूजर से नेम ले रहे हैं, कुछ हम लोग बड़े नाम लिए हैं और उसके बेसिस पर हम लोग डिस्प्ले करने का काम कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग बच्चों देखिए कि हम लोग ने कैरेक्टर लेते हैं तो हम लोग सिंगल कोर्स के अंदर लेते हैं, और हम लोग इंटीजर लिए तो हम लोग नॉर्मली एज इट इज़ लिए, और जब हम लोग स्ट्रिंग लेंगे तो उसको हम लोग डबल कोर्स के अंदर लेना पड़ेगा, तभी जाके वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे काम करता है, इसके प्रोग्राम को हम लोग देखने का काम करते हैं। तो चलो हम लोग नोटपैड पर प्रोग्राम को लिखने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल क्लास एबीसी 19। अब चलो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर पर जो हम लोग ने बनाया है अपना ई ड्राइव में, डेमो नाम का फोल्डर। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्लास नेम एबीसी 19 डॉट जावा, अब सेव हो गया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARCS। अब चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन स्ट्रिंग नेम हम लोग ने ले लिया। अब चलो हम लोग यूजर से लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर नेम। तो अब हम लोग यहां पर नेम इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन हम लोग यहां पर ले लिया यूजर से। अब हम लोग स्विच लगाते हैं, हम लोग अब यहाँ पर इसके अंदर हम लोग नेम लिखे। अब यहाँ पर केस हम लोग लिखे मोदी, जैसे हम लोग लिखे हैं वैसे ही लिखना होगा क्योंकि ये सारे केस सेंसिटिव होता है, तो इसीलिए हम लोग एम कैपिटल लेना होगा। अगर हम लोग मान लो प्रॉब्लम होगी अपर केस लोअर केस का, तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में हम लोग लेने का काम करें, या हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग सारा कुछ लोअर केस में लिख लें और यूजर से ले और उसको हम लोग कन्वर्ट कर लें लोअर केस में, तब भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पीएम ऑफ इंडिया हम लोग ने लिखा, देन ब्रेक हम लोग ने लिखा, फिर हम लोग लिखते हैं अनदर केस सोरेन, हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सीएम ऑफ झारखंड ब्रेक केस मुर्मू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जी गोवर नर ऑफ गवर्नर ऑफ झारखंड ब्रेक केस हमने लिखा यहाँ पर राहुल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पप्पू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ब्रेक और डिफॉल्ट डिफॉल्ट
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब हम लोग ओके डाल देते हैं, हम लोग सामान्य है सब, तो ये हम लोग ने लिखा। और हम लोग जैसे कि बच्चों देख चुके हैं कि हम लोग डिफॉल्ट में ब्रेक नहीं लगाते क्योंकि ये हमारा लास्ट कंडीशन होता है। अब चलो हम लोग इसको देखते हैं, रन कराते हैं। अब जावा सी ए बी सी 19 डॉट जावा हम लोग कंपाइल कर लिए, अब रन कराते हैं जावा ए बी सी 19। अब चलो हम लोग ने लिखा मोदी, तो पीएम ऑफ इंडिया, हम लिखे इंटरनेट सॉरेन, तो सीएम ऑफ झारखंड, फिर हम लोग रन कराते हैं मुर्मू गवर्नर ऑफ झारखंड, राहुल पप्पू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अब हम लोग लिखे ओके तानी एन ओके। तो ये हम लोग ने देखा कि स्विच केस का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं और हम लोग कैसे पैरामीटर को पास करने का काम करते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग ने ये देखा, ये समझा कि वर्क कैसे कर रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर देखें समझें और जानें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें।